इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक इस गंभीर बीमारी के करीब 9000 केस दर्ज किए गए हैं। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। दिल्ली के LNJP और GTB हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 36 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ के KGMU में ब्लैक फंगस के 135 केस सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 11 नए केस आए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 65 मामले आ चुके हैं। MP की बात करें तो मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 600 केस दर्ज हुए हैं। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग यूनिट बनाई गई है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 421 मामले आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 149 मरीज गुरुग्राम से हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में होने वाली दवाई के 12,000 इंजेक्शन की मांग केंद्र सरकार से की है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।